Hey, welcome back. आई एम ओ सर फ्रॉम डे एस टू डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त प्यारे बच्चे मैं सबसे पहले चीज़ आपको सिखा रहा हूं स्पोकन करने के तरीके और आप कैसे अंग्रेजी जल्दी से बोल पाए मेरे साथ मिलकर के आपको बोलना है रुकना नहीं अब बहुत हो गया अब शुरू करना है अब धीरे धीरे लग जाओ मेरे साथ एक एक वर्ड को ले लो हजार सेंटेंस बोलो अब बोलना बहुत आसान हो गया मेरे बच्चे तो अब आप मिल कर के मेरे दोस्त शुरू हो जाइए और देखते हैं यहाँ पे स्पोकन के लिए एक बेहतर टेक्निक क्या हो सकता है हमने कहा था भाई रीडिंग करो राइटिंग करो न्यूज सुनो वो सब चलेगा लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं कर पाऊंगा तब तक बोलना नहीं आएगा मेरे साथ शुरू हो जाओ हमने एक वर्ड लिया लाइक like. हमने बोले लिखा सब्जेक्ट एस का मतलब सब्जेक्ट लाइक लाइक्स वी फोर ऑब्जेक्ट या तो वी फोर आएगा वी फोर का मतलब होता है आई एन जी फॉर्म इसे आप आईएनजी भी कह सकते हो वी फोर जहां भी लगा होता है उस वी फोर का मतलब क्या हो बच्चे आईएनजी हो गया तो वी फोर आईएनजी ऑब्जेक्ट या नाउन का प्रयोग कर सकते हो इसके साथ ये ध्यान रखना है इस लाइक like का मतलब हो गया है अच्छा लगना मान लो को बोलना है कि अच्छा लगता है अच्छा लगता है मान लो आपको बोलना हो कि अच्छा लगता है है ना मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है खेलना अच्छा लगता है मुझे खेलना पसंद है उसे गाना पसंद है उसे नाचना पसंद है उस नाचना अच्छा लगता है उसे गाना तो जहां भी अच्छा लगता है वहां पे आप लाइक और लाइक्स के प्रयोग करके आप लाइक और लाइक्स के बाद आपको लगाना क्या है आपको लगाना है वर्व का फोर्थ फॉर्म आई एन फॉर्म या अगर वी फोर ना वर्व हो तो आई एन जी आएगा धंकना इसके साथ वी वन नहीं आएगा लाइक या लाइक्स के बाद हमेशा आई एन फॉर्म आएगा अगर वर्व आएगा तो अगर वर्व नहीं है तो नाउन आएगा जैसे कहूं कि मुझे मुझे म्यूजिक पसंद है आई लाइक म्यूजिक मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक प्लेइंग बस मजा तो हमने कहा मुझे खेलना खेलना इज अ वर्ब तो आई लाइक प्लेइंग तुम्हें खेलना पसंद है यू लाइक प्लेइंग तुम्हें डांस पसंद है यू लाइक डांस डांस करना पसंद है यू लाइक डांसिंग क्लियर तो इस तरह से लोग बोलेंगे तो मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है यानी मुझे तुमसे बात करना पसंद है तो बात करना अच्छा लगता है या बात करना पसंद है तो हम बोले आई लाइक टॉकिंग टू यू तो आई लाइक टॉकिंग टू यू है ना तो मुझे तुमसे बात करना तो बात करना क्या हो गया वर्ब हो गया तो वर्ब है तो यहां पे आ जाएगा आई एन जी तो आई लाइक like, अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है तो आई लाइक टॉकिंग टू यू तो आई लाइक टॉकिंग टू यू देख रहे हो तो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं एक स्ट्रक्चर दूंगा आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे वहां लोग रटवाते हैं सेंटेंस बोल दिया रट्टा मार लो मैं कहता हूं कि आप हजार सेंटेंस खुद से बनाओ जब एक सेंटेंस दे दिया हजार स्ट्रक्चर दे दिया तो उससे निकाल नहीं होगा एक स्ट्रक्चर से हजार सेंटेंस बनाइए तब जाके बेहतर काम होगा हमने बोला लाइक लाइक्स बीफोर या ऑब्जेक्ट कोई एक लगाना पड़ेगा तो आई लाइक टॉकिंग टू यू उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो उसे किताबें पढ़ना ही लाइक्स रीडिंग अ बुक तो ही राय लाइक्स रीडिंग बुक्स बुक्स है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो ही लाइक्स रीडिंग बुक्स ही लाइक्स रीडिंग ए बुक भी कह सकते हैं एक किताब किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो रीडिंग अ बुक किताबें पढ़ना रीडिंग बुक्स क्लियर अगर मैं बोलूँ कि उसे किताबें अच्छी लगती है उसे किताबें अच्छा लगता है तो ही लाइक्स बुक्स रीडिंग नहीं है तो बुक्स आ जाएगा यहाँ देखो मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स आई लाइक मेकिंग तो मेकिंग हो गया वर्ग तो आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स क्लियर यहां हमने कहा तुम्हें सफ़र करना अच्छा लगता है तुम्हें सफ़र करना अच्छा लगता है यू लाइक ट्रैवलिंग इससे पता है क्या होगा आपके टोंड हो जाएंगे माउथ बोलना शुरू कर दोगे आपका अंग्रेजी स्पोकन आसान हो जाएगा बस दिन में बोलना है आई लाइक ट्रैवलिंग यू लाइक ट्रैवलिंग ही लाइक्स ट्रैवलिंग है ना तो आई लाइक ट्रैवलिंग यू लाइक ट्रैवलिंग ही लाइक्स ट्रैवलिंग सी लाइक्स ट्रैवलिंग तो इससे अंग्रेजी क्या हो जाए आसान हो जाएगा है ना उसे गलतियाँ आप करना चलता है ही लाइक्स मेकिंग अ मिस्टेक ही लाइक्स मेकिंग मिस्टेक अब यहाँ मुझे है ना तुम उसे कर दो उन्हें कर दो तुम्हें कर दो मुझे कर दो तो जो मन बोल सकते हो उसे गलतियां करना चाहता है ही लाइक्स मेकिंग मिस्टेक आई लाइक मेकिंग मिस्टेक यू लाइक मेकिंग मिस्टेक ही सी लाइक्स मेकिंग मिस्टेक राधा लाइक्स मेकिंग मिस्टेक्स देख रहे हो आप तो ना एक, एक मजे की बात बताऊ आपको एक देखो कितना मजा आएगा हमने एक स्ट्रक्चर दिया अब इसके माध्यम से आप दो चार और बना सकते हो तो कैसे अब हमने लाइक like और लाइक्स को हटा दिया क्लियर हमने यहां पर जोड़ दिया लव love और loves, लव और लफ्स जोड़ दिया आप स्ट्रक्चर खुद से फ्रेम कर सकते हो हमने जोड़ दिया लव और लव्स अब पता है क्या होगा अच्छा जोड़ दो बहुत बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है हमने जोड़ दिया बहुत लगता है अब सब में सब सेम रहेगा बस देखो गौर से हमने कर दिया मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है यार मुझे तुमसे बात करना ना बहुत अच्छा लगता है मेरी लग बता रहा हूं मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है तो आई लव आई लव टॉकिंग टू यू आई लव टॉकिंग कितना मजेदार अंग्रेजी हो गया बस एक बार लगने की देर है बच्चे अंग्रेजी से खेलना आ जाएगा हमने बोला आई लव टॉकिंग टू यू हमने बोला उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उसे किताबें पढ़ना बहुत हमने क्या जोड़ दिया बहुत अच्छा लगता है ही लाइक्स तो likes क्या कर दिया लव्स ही लव्स रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स लव्स रीडिंग बुक्स मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है तो क्या करें यहां पे आई लव मेकिंग फ्रेंड्स आई लव मेकिंग फ्रेंड्स तुम्हें सफर करना बहुत अच्छा लगता है यू लव देख लो हमने दोबारा कोई आपको बस सिखा दे रहा हूं यू लव ट्रैवलिंग इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है इतना बढ़िया चीज दे रहा हूं एक बार सीख जाओ है ना तुम्हें सफर कर सकता है यू लव ट्रैवलिंग उसे गलतियां करना बहुत अच्छा लगता है है ना ही लाइक्सू क्या कर दो ही लव्स मेकिंग अस्टेक ही लव्स मेकिंग अस्टेक बोलो मेरे साथ फटाफट मुझे तुमसे बात करना बहुत हो सकता है आई लव टॉकिंग टू यू दूसरा बोलो उसे किताबें पढ़ना बहुत सकता है ही लवस रीडिंग लव्स रीडिंग आई लव रीडिंग बुक्स यू लव रीडिंग बुक्स है ना मुझे दोस्त होना बहुत सकता है आई लव मेकिंग फ्रेंड्स तुम्हें सफर करना बहुत सकता है बोलो फटाफट यू लव ट्रेवलिंग उसे गलतियां करना बहुत सकता है तो ही लवस मेकिंग अस्टेक और देखते हैं इसमें तो सेकेंड क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस नो नोज अदरबर्ड अब पता है इसका मतलब क्या होगा नो नोज का हिंदी लिखना जानना राइट right. जैसे किसी चीज को आप जानते हो तो फटाफट मेरे साथ बोलो ना अंग्रेजी क्योंकि बोलना आसान कब होगा जब आप बोलना शुरू करेंगे सिर्फ आप देखेंगे तो काम में चलेगा मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए आप कॉपी कलम उठाए रखिए जब लिखता हूं तो आप लिखो और जब मैं बोलता हूं तो मेरे साथ बोलो तब अंग्रेजी आसान हो जाएगा और इसके साथ साथ ना आप दो चार लड़के मिल जाओ ग्रुप के साथ आपस आप में बोलो एक समझे तुम एक वो इसे बोलने आपको अंग्रेजी आ जाएगा हमने कहा वह सब कुछ जानता है तो जान तको अब सब ही अब नो और नोज कहां लगेगा ये जो नो है ना इसे भी इसे वी फाइव कहते हैं यदि है है तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तुम लगाना वी फाइव और यदि तुम्हारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो लगाना भी वन यह पहले वाले वीडियो में लागू होगा बच्चे ध्यान देना तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वी फाइव वी फाइव का मतलब होता है एस यास और भी वन का मतलब और डिक्शनरी बोलते हो ना गो या गोज तो गो हो गया भीवन इसको कहते हैं प्लूरल ये भीवन कहलाता है प्लूरल और वी फाइव कहलाता है सिंगुलर ठीक है बच्चे तो वह सब कुछ जानता है तो वह क्या है सिंगुलर है तो वह के साथ क्या लगाएंगे नोस तो ही नोस एवरीथिंग ही knows एवरीथिंग वह सब कुछ जानता है ही knows एवरीथिंग मैं सब कुछ जानता हूँ आई नो एवरीथिंग तू सब कुछ जानता है यू नो एवरीथिंग वह सब कुछ जानता है ही knows एवरीथिंग वह सब कुछ जानती है ही नोज एवरीथिंग इस तरह से आप करोगे ना तो अंग्रेजी आसान लगेगा मैं तुम्हारी हालत जानता हूं मैं तुम्हारी किसी को बोलना है ना कि मैं तुम्हारी हालत जानता हूं आई नो योर सिचुएशन आई नो योर सिचुएशन है ना वह तुम्हारी यहाँ जानता है ही नोस योर सिचुएशन लता तुम्हारी जानती है लता नोस योर सिचुएशन राम तुम्हारी यहाँ जानता है राम नोस योर सिचुएशन तो जितना भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट चेंज करो स्ट्रक्चर यही होना है इसके माध्यम से अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा अगला कहता है वह तुम्हारा इतिहास जानता है ही नोज हिस्ट्री मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ। आई नो योर हिस्ट्री वह तुम्हारा इतिहास जानता है ही नोज योर हिस्ट्री है ना श्याम तुम्हारा इतिहास जानता है श्याम नोज योर हिस्ट्री रहीम योर इतिहास जानता है रहीम नोज योर हिस्ट्री है ना तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना स्ट्रक्चर हो आप उसको याद करो यहाँ देखो मैं तुम्हारे दाव पे जानता हूं आई नो योर ऑल ट्रिक्स आई नो योर ऑल ट्रिक्स अब मेरे साथ फटाफट बोलो वह सब कुछ जानता है एवरीथिंग मैं तुम्हारे यहाँ जानता हूँ आई नो योर सिचुएशन वह तुम्हारी इतिहास जानता है ही नोज योर हिस्ट्री मैं तुम्हारे सारे दाव पे जानता हूँ आई नो योर ऑल ट्रिक्स अब आप थर्ड देखिए फटाफट यहाँ थर्ड क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस नो नोस प्लस अदर वर्ड अब यहाँ कहना ही यह है बेटा कि वहाँ पे था जानना यहाँ हो जगह पहचानना पहचानना यानी आप किसी को पहचानते हो जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूँ तुम मुझे पह, पहचानते हो मैं उसको पहचानता हूँ मैं तुम्हारे दादी को पहचानता हूँ वह तुम्हारे पिता जो पहचानता है वह तुम्हारे दोस्त को जानता है तो जानना और पहचानना तो जानना भी नो और पहचानना भी नो मैं एक्चुअली आपको जीरो से उठा रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि आपको बिल्कुल जड़ से उठा रहा हूं ऊपर तो धीरे धीरे सीखो हमने बोला मैं तुम्हारे दादाजी को पहचानता हूं आई नो योर ग्रैंड फादर आई नो योर ग्रैंड फादर मैं तुम्हारे दादाजी को पहचानता हूँ आई नो योर ग्रैंड फादर मैं तुम्हारे पापा जी को पहचानता हूँ आई नो योर फादर है ना मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूं आई नो योर फ्रेंड आई नो योर ब्रदर आई नो योर सिस्टर आई तो कुछ भी वट एवर आई नो को ही कर सकते हो ही नोज योर ग्रैंड फादर शी नोज योर ग्रैंड फादर शी नोज योर फादर ही नोज योर फादर तो समझ में आ रहा बात को तो आपको स्ट्रक्चर खुद से फ्रेम करना है एक ऐसे लिया मैंने बोलते हैं ना आई नो यू नो आई नो यू नो ही नोस ही नोस और है ना, you know, you know, ना आगे जोड़ दो योर ग्रैंड फादर योर फादर योर फ्रेंड योर सिस्टर योर ब्रदर इस तरह से आपका अंग्रेजी काफी आसान हो जाएगा अगला कहता है मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूँ आई नो दिस मैन आई नो दिस जेंटल मैन आई नो दिस गर्ल आई नो दिस बॉय तो व्हाट एवर कम्स योर माइंड यू आर एबल टू स्पीक जस्ट यू आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नो और नोस यू स्पीक एनी का ऑफ सेंटेंस राइट अगला कर रहा है मैं इस व्यक्ति को जानता हूं आई नो दिस मैन मैं इन लोगों, लोगों को अच्छी तरह जानता हूं मैं इन लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूं आई नो दिस पीपल वेरी वेल आई नो दिस पीपल वेरी वेल ही नोज दिस पीपल वेरी वेल शी नोज दिस पीपल वेरी वेल क्लियर तो आप मेरे साथ दोहराइए आई नो दिस पीपल ही नोज दिस पीपल यू नो दिस पीपल क्लियर अगला कर रहा है वह इन लोगों को पहचानता है ही नोज दिस पीपल क्लियर लता तुम्हें पहचानती है लता यू सीता यू प्रिया यू सुप्रिया यू महिमा यू राम यू श्याम यू तो जितना मन करे सेंटेंस को आप बोलो आई नो यू क्लियर तो पहचानने के सेंस में भी नो नोज का प्रयोग करते हैं जानने के सेंस में भी नो नोज का प्रयोग करते हैं बेहतर होगा मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ दिल्ली दूर है क्या अब दिल्ली दूर नहीं है आप दिल्ली आ करके ना आप क्लास कर सकते हो चाहे फाउंडेशन क्लास हो चाहे स्पोकन क्लास हो जो भी आप चाहते हो भारत में कहीं भी आप हो दुनिया किसी भी कोने में रह रहे हो अब दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आ करके आसानी के साथ अंग्रेजी बोल सकते हो लिख सकते हो इसके साथ साथ आप चाहो तो घर बैठ भी आप मजबूरी में फंसे हैं घर से नहीं आ सकते हाउस वाइफ हैं हाउस मेकर हैं होम मेकर हैं घर बैठे हुए हैं नौकरी कर रहे हैं जॉब है आप छोड़ के नहीं आ सकते तो वहीं जहाँ आप हैं ना, आप मोबाइल फ़ोन है ना लैपटॉप है ना तो घर बैठ कर के भी अपने जॉब करते हुए भी आप मेरा क्लास ऑनलाइन वीडियो आप कर सकते हो घर बैठ के स्पोकन भी फाउंडेशन भी जो क्लास आप चाहो क्लास ले सकते हो बस एक बार आप वेबसाइट पर चले जाइए वहाँ से हो जाएगा इसके साथ साथ टेस्ट भी आप दे सकते हो चलिए बच्चे इस वीडियो को पूरे भारत में क्रांति की तरफ फैलाइए हर बच्चा को बोलना आना चाहिए और हर बच्चे को इसकी का अधिकार है थैंक यू वेरी मच